लिए बात करेंगे दूसरी खबर की, यानी कि लापरवाही की गाज और अनाज सड़ गया। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो वेयरहाउस संचालक और अधिकारियों की लापरवाही के कारण बीते 3 साल के भीतर वेयरहाउस में 1,18,000 क्विंटल गेहूं चावल खराब हो गया है और अब खराब अनाज को ठिकाने लगाने के लिए मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन ने टेंडर जारी कर दिया। सड़े हुए अनाज को शराब कंपनी, पशुओं के लिए अनाज, मुर्गियों के लिए दाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जानकारी ये भी मिल रही है कि 2 से 3 सालों के भीतर लाखों क्विंटल अनाज 190 से अधिक वेयरहाउस में खराब हो गया। इंदौर, जबलपुर, सागर संभाग में सबसे ज्यादा वेयरहाउस में किसानों से खरीदा हुआ अनाज खराब हुआ है और अब दिसंबर की आखिरी तक यानी कि वेयरहाउस से अनाज निकालने के लिए विभाग ने टेंडर जारी कर दिया। अनाज की खरीदी समर्थन मूल्य पर किसानों से हुई थी और अब सड़े हुए अनाज को कौड़ियों के दाम पर स्टेट सिविल सप्लाइजर्स कॉरपोरेशन बेचेगा। अधिकारी और वेयरहाउस संचालकों की लापरवाही जिसके चलते करोड़ों रुपयों का नुकसान हो चुका है। तो 1,18,000 क्विंटल गेहूं चावल खराब अनाज ठिकाने लगाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइजर्स कॉरपोरेशन जिस तरह से एक टेंडर जारी कर चुका है और इसको खपाने की पूरी तरह से तैयारी की जा रही है, यानी कि शराब बनाने में अनाज जो जानवर खा सके उसमें पशुओं के लिए इस तरह से टेंडर जारी किया गया है। तो 2 से 3 सालों के अंदर ही लाखों क्विंटल अनाज 190 से अधिक वेयरहाउस में खराब हो गया। संजय साहू ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया। संजय, बड़ी लापरवाही कह सकते हैं, लाखों करोड़ों का नुकसान अब होने वाला है। दूसरी तरफ क्या कभी कोई जांच नहीं हुई, कोई अधिकारी नहीं पहुंचा जिस तरह से वेयरहाउस में रखा रखा सड़ रहा था? जी बिल्कुल, बात करें जिस प्रकार से वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन का जो मामला सामने आते जा रहे हैं और लगातार ये जबलपुर की अगर हम बात करें तो जबलपुर में भी लगातार ये मामले सामने आए। अब पूरे प्रदेश का जो स्कैम है ये बहुत बड़ा स्कैम है, चूंकि पहले अनाज को सड़ाया जाता है फिर उसको कम दामों पर टेंडर किया जाता है, तो अधिकारियों की मिली भगत से ये सारी चीजें होती हैं और इसका जो है उनको शराब बनाने वाले को जो सड़ जाता है अनाज तो शराब बनाने वालों को दिया जाता है, ये भी जानकारी है। चूंकि हाल ही की ये बात हम करें तो गो ग्रीन करके कंपनी आई थी जिसको ओपन कैप में अनाज रखा गया था और उसके जितने भी अनाज ओपन कैप बनाए गए थे सभी जगह अनाज को जो है सड़ा दिया गया था और लगभग उसमें 20 से 30 करोड़ रुपए का घाटा जो है वो प्रदेश सरकार को हुआ था। तो कह सकते हैं हालांकि उस पर FIR भी हुई थी लेकिन वो FIR कोर्ट में जाके स्टे हो गया और उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब लीपापोती हो गई। तो कह सकते हैं कि ये बड़ा स्कैम जो है वो लगातार चलता जा रहा है और जबलपुर की अब बात, जबलपुर ही नहीं अब पूरे प्रदेश का ये मामला सामने आया जबकि वेयरहाउसों में अनाज जो है वो सड़ रहा है और उसके टेंडर की प्रक्रिया जो है वो सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन द्वारा की जा रही है। तो कह सकते हैं कि बड़ा घोटाला जो है वो ये है और साथ में अगर अधिकारियों की हम जांच बात करें तो अधिकारियों का जो संलिप्तता जो है वो कई बार उजागर भी हुई है और एक दो अधिकारी तो यहाँ पर जो है वो सस्पेंड भी हुए हैं इसी अनाज घोटाले को लेकर, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अनाज घोटाला है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जबलपुर चूंकि एक गढ़ बन चुका है इसका और आए दिन इसमें स्कैम होते रहे। हाल ही में जो रघुवीर श्री करके एक मिलर हुआ करता था जिसके यहाँ पर 25 स्टैक लगभग 7,500 क्विंटल जो है वो चावल कम पाया गया, उसके खिलाफ आज तक कोई FIR नहीं हुई और ये कहा जा रहा है अधिकारियों के द्वारा कि वो ऑफलाइन उन्होंने जमा कराया। ऑफलाइन पर जब बात की गई तो वहां पर ये कहा गया कि यहाँ पर अभी जमा नहीं हुआ है, उसकी प्रक्रिया चल रही है, उसको उसमें लिया गया है, जांच में लिया गया है। तो कह सकते हैं कि बड़े घोटाले जो है वो होते रहे और लगातार हो रहे हैं लेकिन इस पर सरकार जो है वो नहीं चेत रही और प्रशासन जो है वो सुप्त पड़ा हुआ है। जी देखिए किसकी मिली भगत है, फिलहाल आपने जिक्र किया जबलपुर का लेकिन ये स्थितियां इंदौर में भी हैं, सागर में भी हैं, भोपाल में भी इसी तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। और पहले अनाज को लिया जाता है, सड़ाया जाता है और उसके बाद औने पौने दामों में बेचने की तैयारी हो रही है। अब ये बताइए कि इसमें जो करोड़ों का वारा नारा होगा, जो जिम्मेदार अधिकारी बैठे हुए हैं, लापरवाही जिनकी वजह से हुई, उन पर कोई कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, कार्रवाई तो होना चाहिए और लगातार होती भी रही है लेकिन जिस प्रकार की कार्रवाई इनके खिलाफ होना चाहिए थी वो अभी तक कहीं पर भी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको निलंबित किया जाता है, महीने दो महीने निलंबित होते हैं, उसके बाद फिर वो रिस्टेट होके कहीं ना कहीं फिर वही घोटाला वो
करने लगते हैं। तो ये जो पूरा स्कैम है, इसके पीछे सीबीआई जांच या कोई बड़ी जांच जो है वो इसकी होना चाहिए, क्योंकि घोटाला 1 करोड़, 2 करोड़ या 10 करोड़ का नहीं है, घोटाला हजारों करोड़ का है। पूरे प्रदेश स्तर पर इसकी जांच होना चाहिए और जितने भी वेयरहाउसिंग कारपोरेशन है, लॉजिस्टिक कारपोरेशन, इनके अधिकारी हैं, इन सबकी जाँच होना चाहिए। इसी प्रकार जो नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी हैं उनकी जाँच होना चाहिए। साथ में इसमें जो इन्वॉल्व है FCI है, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया है, इसके साथ इसमें जो मध्य प्रदेश विपणन संघ है, ये तमाम प्रकार के जो मिली भगत है, जो खाद्य विभाग के अधिकारी हैं, ये सारे लोग जो हैं वो एक साथ मिले हुए हैं। और यही कारण है कि इनके एक दूसरे को बचाने में लगे रहते हैं और छोटे जो स्तर के अधिकारी होते हैं, छोटे स्तर के जो कर्मचारी होते हैं उनको ये लोग निपटा देते हैं और बड़े स्तर पर बड़ा खेल ये लोग कर जाते हैं। अब चूंकि मध्य प्रदेश की हम बात कर लेते हैं तो इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर या भोपाल, जहाँ पर भी ये अनाज सड़ा हुआ आ रहा है, तो ये स्कैम जो है वो बड़ा लंबा चलने लगा है। चूंकि पहले ये जबलपुर में होता था और जबलपुर में ये स्थितियां बनती थी कि आए दिन इसके खुलासे होते रहते थे लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती थी। अब चूंकि प्रदेश स्तर पर ये हुआ है तो कहीं ना कहीं सरकार इस पर चेतेगी और इस पर बड़ी जांच करवाएगी, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सकेगा। जी बिल्कुल, दूध का दूध और पानी का पानी होना जरूरी भी है, क्योंकि करोड़ों का वारा न्यारा भी एक तरह से हो रहा है। और दूसरी तरफ हम बात करें इंसानों के खाने की, अनाज की, वो अब जानवर खाएंगे, पशुओं के लिए कहीं ना कहीं मुर्गियों के लिए दाने बनेंगे और शराब का भी जो है वो पूरी तरह से बनाने की तैयारी। अब क्या कुछ होगा इस पूरे मामले में अगर देखें और समझें कि बड़े स्तर के जो अधिकारी हैं उन तक भी पहुंचेगी टीम, जांच की जाएगी, वो दायरे में आएंगे उसके? निश्चित ही इसको सरकार को संज्ञान में लेना होगा और सरकार अगर चाहेगी, चूंकि अनाज जो है वो किसान के खून पसीने से सींचा हुआ अन्न है जिसको लोगों तक पहुंचना होता है, लेकिन वो अनाज अब पशुओं के चारा गाय बनने जा रहा है, शराब के कारखाने में उसको पहुंचाया जाएगा। तो इसको शराब जो सरकार है उसको संज्ञान में लेना होगा और सरकार को इस पर बड़ी जांच बिठानी होगी। बड़ी जांच इस स्तर की होना चाहिए, चाहे CBI जांच करवाए या कोई बड़ी और स्तर की जांच करवाए, क्योंकि जितने भी अधिकारी है, चाहे वो किसी भी विभाग से, जितने भी विभाग इसमें, जैसे कि मैंने बताया नागरिक आपूर्ति निगम हो, मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग लॉजिस्टिक कारपोरेशन हो या विपणन संघ हो, खाद्य विभाग हो, ये तमाम प्रकार के अधिकारियों की इसमें संलिप्तता है और इन्होंने इसमें बारे न्यारे करे हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों के जो बारे न्यारे हुए हैं उसको उजागर होना जरूरी है और किसान का बिल्कुल उजागर होने की जरूरत है ही। और जिस तरह से नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई कौन करेगा? और बार बार किसी ना किसी की मिली भगत तो जरूर है जिस वजह से इस तरह से अनाज सड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिये तमाम जानकारी के लिए संजय।